स्वाद पुछन था पी वो कंदो फोरम आए छा वो यहां तक में एक दी वतन दोस्त का इंकलाबी पार्टी हुई है हियर वो इंकलाबी पार्टी जका बीएन पंजीयन साल का हो उन्हीं नाले सा एक फोरम जुड़ो आप मुझे मकसद चाहिए असा समझूं था सिंध अंदर मुल्क अंदर पार्टी तमाम घणियूं आहिनि सवन हज़ारनि में पार्टियूं आहिनि जेको घर खां कार हुजे त उहो पार्टी थो ठाहे पियो जेकॾहिं कंहिंसां का थोरी नाराज़गी आहे त पार्टी थो ठाहे पियो नतीजो छा थो थिए सतर ऐं असी ॾहा वारे ॾहाके जे विच में खाली थो हुजे माण्हुनि कॉपरस तंज़ीमुनि जेका थोरी घणी जदोजहद कई जेका कुझु कयो ऐं पोइ हीअ वॾी टीह साल मां ठाहिण में उन्हनि जा काफ़ी माण्हू या त कंहिं एनजीओ में हलाया या कंहिं सरकारी घर में हलाया या जेकॾहिं कंहिं पार्टियूं आहिनि उहो एतिरो सरगर्म उन्हनि जो रोल न आहे असां चाहियूं था इन सॼी भञ राह में हिकिड़ो वॾो जनरेशन गैप आहे टीहनि सालनि खां असां ऐं असांजे हमदर्द दोस्तनि कंहिं बि नौजवान अंदरि यंग जनरेशन अंदरि पंहिंजो पैगाम पंहिंजी सोच पंहिंजी ॻाल्हि पहुचाई कान उन गैप के कड़े नमूने कवर कजे त ही कम असल आए नौजवानों जो उन नौजवान के समझण ला इन टीह चालीह साल के दुनिया के गैप के विच में दुनिया अंदर तमाम बड़ी तब्दीलियों आई साइंस एंड टेक्नोलॉजी तमाम बड़ी तरक्की कई है मुल्क अंदर दुनिया अंदर अगे वाला नारा अगे वालों रुझान अगे वाली गाल माठी थी वही हाँ जरूरत इन गाली है अज के जदीद दौर में हिंसर सारी दुनिया में ग्लोबल विलेज थी वही उन ग्लोबल विलेज में अगे ये होंद मू कबन के सामान असि सियासत कह पर अज जरूरत उन हालत के दिसू दुनिया किथे थी वे पी अजा तजाद कड़ा कहिड़े तरीक़े सां उन्हनि खे हल कजे अजा मसाला छा आहिनि ऐं उन्हनि जो हल साइंटिफिक वे सां अॼु जे जदीद दौर में कीअं ॻोल्हे रहिजे उन लाइ असां मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम रखिया लाड़काणे में हिकिड़ो प्रोग्राम कयोसीं निज़ामी नगर हॉल में असांजो उस्ताद ख़ालिद बीठो आहे उते ठीकु ठाक प्रोग्राम रहियो असां हिकिड़ो गमट में प्रोग्राम कयोसीं कल्ह हिकिड़ो होरे में बि करायासीं असां चाहियूं था त नौजवान माण्हू नालो ऐं मुख़्तलिफ़ सियासी गुरु नालो हर शइ ते हिकिड़ो चिटो मौक़ुफ़ अचणु घुरिजे ऐं उहो साइंटिफिक हल हुजे हुनजो जो हींअर असां वटि इशू तमामु घणा आहिनि पाणी जो मसालो आहे बिजली जो मसालो आहे कम ते जा घंटा मसाला आहिनि इक़्तिसादी बहरान लॻो पियो आहे अॻे वर्दी वारा असांजे साम्हूं आहे हाणे अजरक जेको आहे टोकरी वारा असांजे साम्हूं आहिनि अॻे असांजो दुश्मन कीअं चिटो असांखे सलाहु अॼु असांजो दुश्मन आहे माण्हुनि खे ॻाल्हि ॿुधाईंदासीं पर अॼु हालतूं न आहिनि इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि खे नज़र में रखंदे असां ई पंहिंजो प्रोग्राम यूनिवर्सिटी अंदरि रखियोसीं छो जो यूनिवर्सिटियूं स्कूल कॉलेज कंहिं सरकार जी मिल्कत न हूंदा आहिनि उहे क़ौम जी मिल्कत हूंदा आहिनि ऐं हिते पढ़ंदड़ ऐं पढ़ाईंदड़ जेके हूंदा आहिनि पढ़ाईंदड़ तमामु वॾा कार क़ाबिल इज़त हूंदा आहिनि ऐं पढ़ंदड़ मुस्तक़बिल जा मामार हूंदा आहिनि असां चाहियूं था त हीउ प्रोग्राम असां उते कयूं त जीअं उतां जा उस्ताद उतां जा शागिर्द ऐं उतां जा ईंदड़ असांजे क़ौम जा आबा जेके आहिनि जंहिंखे सुभाणे सॼी सियासी समाजी इक़्तिसादी मोर्चा संभालणा आहिनि उन्हनि वटि असां पंहिंजी ॻाल्हि असां पंहिंजे लाइ पंहिंजे मुख़्तलिफ़ दोस्तनि खे रखूं पर बदक़िस्मती असांजी इहा आहे त मां वधीक न चवंदुमि उते हिकु इदारनि में को बि प्रोफेशनल माण्हू न आहे को बि धरती सां सचो माण्हू न आहे को बि हिन ज़मीन सां सचो न आहे को माण्हू सां सचो न आहे उहे सचाण इक़्तदार जे अवाननि सां सचाण उहे सचाण त कुर्सियुनि सां सचाण उहे सचाण त माल सां सचाण ऐं इहा शर्म जहिड़ी ॻाल्हि आहे मां हिन चए तव्हां हुन शइ खे निंदियणु लॻो ऐं इहो अमल इहो ॿुधो अमल इहो न थियणु घुरिजे ही इदारा असांजा इदारा आहिनि हिननि इदारनि खे असां ठाहियो आहे हिननि इदारनि खे ठाहिण में ई मुंहिंजे साम्हूं रिटायर्ड प्रोफेसर जी वरी लाइन वठी आहे उन्हनि जो रत सभु शामिल आहे इदारनि खे ठाहिण में ऐं उन्हनि इदारनि में असांजी दाख़िला ई कंदा
असावधानी पर लोग हुए जाए उसके जो वर्णन तो पढ़ाए उसके जो वर्णन पढ़ाए गलत हिस्ट्री पढ़ाए गलत तारीख पढ़ाए गलत साइंस मुख्य अफसोस तो थे तो असो एम फिर जो फिजिक्स जो शागिर्द को असो साथी लबन दास करे पो तो उन यो बुधा तो फिजिक्स है अला जुटा थी हल ये काले मरी गया प्रोफेसर ये काले मरी गया शागिर्द जो उनकी यार ताब जानी वो ये साइंस ही अमल ये सही का जो सब धारणा सा चाहिए था ये असान बदले दारन में क्यों पर असा यो पको पर कयो से जे कने ही असा के अजो ही हाल न मिले हा असा नेशनल हाईवे के बी रूते बाहर के सब प्रोग्राम क्यों आए सब भी मानु के दियाना पर असा सोचो सुन न किया गाला ने वक्त ना है पर जने एड़ो वक्त आयो असा ये कदा से ये दारा कदी दिक्कत ना है असा जाना असा सब कर सकूंगा शायद इन जोश जज्बे से अज उन बुधों
सिंधी क़ौम जे पास आया अवाम जे पास आया मज़लूमन जे पास आया अवां जे पास आया असां जे पास आया हो कहन जे वगैरह कहन पीर कहन वीर जे पास पे ना है बल्कि उन सा पांजे नाले के लड़न लाए तैयार ना है ए अज असा साई के जे मौजू लाए के बुलाया वो आए सीपे याना याने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ऐ उन जा सिंध ते पवंदड़ सियासी ऐ इक़्तिसादी असर अवां भरपूर ताड़न में साईं जो इस्तक़बालु कयो साईं शाह गोस्तो साहब साईं अचे ऐं पंहिंजो लेक्चर ॾे साईं शाह गोस्तो साहब चाइना जो
मर्चेंडाइज हुआ खास करके सिल्क में पेपर अलावा उतर जहाँ खास किस्म जो कुछ कंटाइनेंट्स हुआ उ वेदा हुआ यूरोप उन पे खबर आवन तैमूर गंग के वक्त में भी पूरा इंटरनेशनल रोड यानी रस्ते के हिसाब से इंटरनेशनल हाईवे पेरोसो कायको हो इवन हलाकू खानदान हलाकू खान खरपोर जो जो दौर आने मॉस्को तो बेल्ट सिल्क रूट वो कायम हो सो रिवायती तौर पर चाइना को रोल प्ले किया इंटरनेशनल ट्रेड कॉमर्स दुनिया के बिल्डर में वही मिंग डायनेस्टी जो आई मिंग डायनेस्टी के थोड़ी पारी तेरी थोड़ी फदी का चाइना है वो काफ़ी कमजोर थे शुरू थे इंटरनेशनल इंपीरियलिज्म शुरू थी मैरिटाइम इंपीरियलिज्म शुरू थी ब्रिटिशर्स खासतौर से बाद में जैपनीज जैसे चाइना के कोरिया के कब्जों पर उन चाइना तकरीबन ये खड़ी चौथे थर्ड वर्ल्ड में भी शायद तमाम हेठा सतह के मुल्क पहुंची वो मान बीमारी जो बुख जो बधारी जो शिकार तेखा तो 1912 में चाइना में तो रेवोल्यूशन आयो संयत सिंह जी जो सो नेशनलिस्ट पार्टी जो हुई उन्होंने लीड कर उनखा को जो सो दौर रो 1949 तीन माओ जेदंग के रेवोल्यूशन तीन चाइना वेस्टर्न जो शिकार कर पैरों तो जैपनीज का जान छाई उन डायरेक्टली कोल्ड वॉर जो हिस्सों बढ़िया 1971 तक रिप्रोशमा थो अमेरिका से चाइना सोवियत यूनियन से गुड रो दुनिया में कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट निजाम के विच में टकराव हो तमाम बड़ो मोर्चो हो तक खबर है स्टालिन के लड़ने क्रोशियन के जन खुद सोवियत यूनियन में भी नव दौर पैदा थो इमीडिएटली रेवोल्यूशन का पो वाला जी हिमायती अलवायती दोस्त हुआ चाइना सोवियत यूनियन जहाँ जैसे खास तौर पर टीटो माओजी तंग हो उनका रस्ता मुख्तलिफ थोड़ा तक चाइना के अंदर भी मुसलसल स्ट्रगल एवोल्यूशन जो दौर रो जैसे खुद माओजी तंग के जमाने में भी तकरीबन मिलियंस चार पंज मिलियन माउंस इन कर मरी गया जो भुख हुई उतने फैमिन थो उतने कहत पो खुद माओजी तंग के जमाने में जो कल्चरल रेवोल्यूशन के नारे में सिविल वॉर थी उन्होंने भी हजारे लखे मू मारा वह यो मामलो वही 1979 तीन हलो रो जैसे डेंग शाओपिंग का चाइना की जो इकोनॉमिक पॉलिसी हुई चाइना में जो वन सिस्टम वन कंट्री टू सिस्टम राज चाइना की जो पोलिटिकल रिजीम हुई वह कम्युनिस्ट रही इकॉनमी कैपिटलिस्ट मार्केट ओरिएंटेड रही पर कैपिटलिज्म की स्टेट कैपिटलिज्म सो 1979 का चाइना में जो दौर शुरू किया उनकी बड़ी दास्तान है पर जैसे खान की शीपिंग हाँ आयो प्रेसिडेंट शुरू उन चाइना एक्सपेंशन के ऑर्गेनाइज कर शुरू किया सेंट्रल लिंचपिन बुनियादी जुज है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वो यो ही वन बेल्ट वन रोड वन बेल्ट रेफर तो करे सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट जेका कंधे थी चाइना के सेंट्रल एशिया से ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप से वही वन रोड वो रेफर तो करे सागे साउथ ईस्ट एशिया अफ्रीका सेंट्रल एशिया से समुद्र के जरिए तो पाकिस्तान जो मौजूदा सीपैक वाला मनसूबो है वो मैं समझा वन बेल्ट में फॉर्म कर जबरदस्त रोड
जे जरिए या जेका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आहे या जेको कनेक्टिविटी आहे उहा पैदा था कयूं. सो वन बेल्ट वन रोड, वन बेल्ट जेका आहे उहा रोड कॾहिं ख़ुशी जेको जेको रोड्स जो जेको कनेक्टिविटी आहे जेका ग्वादर खां शुरू थी थिए ऐं काशगर सिंधिया जेको नॉर्थ वेस्ट में उहे हलंदा आहिनि मुस्लमान जेको बाउंस आहे चाइना जो काश्मीर ताईं इहो तक़रीबन 2700 मुंहिंजे ख़्याल में किलोमीटर्स जो रस्तो आहे जेको हले थो जेके असां सी पैक था वठूं. हाणे सी पैक में जूं कुझु मखसूस फीचर आहिनि. हिकिड़ो त उहो जोग्राफिकली लिंक्ड आहे, यानी जेके बि मुल्क आहिनि गंढियल उन्हनि सभिनी जे विच में हिकिड़ो इकोनॉमिक हिकिड़ी राहदारी पैदा थो करे, हिकिड़ो कनेक्टिविटी पैदा थो करे, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा प्रोजेक्ट्स शुरू थींदा जेके इहो सम्झो थो वञे त फ्यूचर में सभिनी मुल्कनि खे फ़ाइदा थींदा. हाणे उनमें न सिर्फ़ु इहो आहे त माण्हुनि जो हिक ॿिए सां कनेक्टिविटी पैदा थींदी, पर एकेडमिक कल्चरल रीजनल ज़ाहिरा उन सां बि नंढा था वठंदा. हाणे इहो ऑफिशियल वर्जन आहे जेको मां तव्हांखे ॿुधायां थो. इन खे अलावा हायर वैल्यू वॉल्यूम जेको आहे उहो ट्रेड जो ऐं बिज़नेस जो, छाकाणि त हिकिड़ो अंदाज़ो आहे त पाकिस्तान जी जेका मौजूदा जी डी पी आहे उनजो तक़रीबन 17% उनमें इज़ाफ़ो थी सघे थो नेक्स्ट 10 या 15 ईयर्स. ऐं हिन वक़्तु जेका इन्वेस्टमेंट अचे थी पाकिस्तान जी बि उहा बि प्रोपोर्शनेट चवनि था तक़रीबन 75 बिलियन डॉलर्स ताईं तव्हां एक्सपेक्ट करे सघो था, जेको सिर्फ़ एनर्जी ऐं इंफ्रास्ट्रक्चर ऐं जेके हिन सां लॻा जेके निज़ाम क़ाइमु थींदा आहे. उन खां पोइ असांखे छा करे पाकिस्तान में जेको वॾो प्रॉब्लम आहे उहो आहे असां वटि इंफ्रास्ट्रक्चर कोन्हे, यानी फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोन्हे जेका इंडस्ट्री जे लाइ सर्विस सेक्टर जे लाइ असां जेको इंप्लॉय करे सघूं. तव्हांखे ख़बर आहे त दुनिया में जिते बि इन्वेस्टमेंट कैपिटल ईंदो आहे उते सभ खां पहिरियों ॾिसंदा आहिनि छा उते इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूदु आहे. इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़ाहिरा एनर्जी जो तमामु वॾो रोल आहे, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, नेटवर्क, हुन सां गॾो गॾु ॿिया जेके जेके ज़रूरी जेके रिक्वायरमेंट्स आहिनि हुन में ज़ाहिरा सिक्योरिटी बि आहे. पर पाकिस्तान खे हिकु वॾे वॾो जेको चार माण्हू इहो आहे त सी पैक जे ज़रिए असांजा जेके रोड रस्ता ऐं जेके इंडस्ट्रियल पार्क्स ठहंदा ऐं स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स ठहंदा ऐं हिन खां अलावा जेको हिनखे तक़रीबन 15,000 मिलंदी हिन प्रोजेक्ट्स वठी ऐं जेकॾहिं बिजली मिलंदी त मतिलबु इहो आहे असांजे लाइ एक्सटेंशन करणु आसान थी वेंदी. पाकिस्तान जो जेको रूट आहे काश्मीर ताईं उहो 2500 किलोमीटर आहे ऐं इहो जेको रूट आहे उहो आहे तुर्बत पंजगूर माना ग्वादर खां तुर्बत पंजगूर बसीमा सूरत कलाक मस्तूम क्वेटा किला सैफुला योग डियाई खान और मियावाली बलकसा हसन अब्दार अहमदाबाद और गिलगित गिलगित खां मथे वरी उहो काश्मीर वेंदो चाइना. सो हाणे तव्हांखे जेकॾहिं थोरो यकीन जोग्राफ़ी जो अंडरस्टैंडिंग हूंदी त हाणे गिलगित बल्तिस्तान जेको आहे उहो बेसिकली हिस्टोरिकली कश्मीर जो पार्ट थींदो ऐं इनजे करे हिन वक़्तु मां बात न अचां थो हुनजे बि त इनजे करे ई जेको आहे सो इंडिया खे बि बहानो मिली वियो आहे. उहो चए थो त तव्हां जेको इहो सी पैक वारो प्रोजेक्ट ठाहियो था इहो असांजे इलाइक़े मां थो वञे, छाकाणि त उहो चवंदा त कश्मीर इंडिया जो पार्ट आहे, आज़ादु कश्मीर खे मोकिले था कनि. इनजे करे इन सां रीजनल जेको टेंशन आहे उनजो जेको हिकिड़ो सबबु आहे इहो आहे त गिलगित बल्तिस्तान मां छॾणु इहो रोड वेंदो, गिलगित गिलगित बल्तिस्तान जेको आहे उहो कश्मीर जो पार्ट सम्झो वेंदो आहे, तंहिंजे करे इंडिया खे ख़तरा आहे. ऐं आयोनिकली पाकिस्तान जो यानी पाकिस्तान अमेरिका जो वाहिद नॉन नेटो अलाय आहे, पर इन मामले ते अमेरिकन बि इंडिया सां पुछा उहो बि चवंदा त बिल्कुलु असांखे एतिरा सी पैक जो प्लैन ते, छाकाणि त इहो गिलगित मां गुज़रे
कश्मीर जो जो असो पार करने करे वो तकराली इलाको इन प्रोजेक्ट जब इन सीपेक जब चार मेन प्रोजेक्ट्स हैं एक रो डायमंड भाषा डैम जेते अगर तो ये कुछ उसमें इनिशियल काम तो थिवा पर अगर हम ते फर्दर पहले भी नहीं गवर्नमेंट कुछ तो जो भी आता सारा तो कम शुरू था कि वो वर्ल्ड ट्रेड वर्क्स का मेला हो पर हार गए तो चाइना उनके सीपेक जो पार्ट बनाया हुआ है उन्हें ते शायद फाइनेंसिंग भी चाइना को दी वो है मेन लाइन वन जो को दरअसल असा सिंधु के हवाले से कराची का पिशावर तक फास्ट रेलवे ट्रैक जो असो ठाणी थे जैमें जो रेल हलती उन रफ्तार बस 250 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हलती हुआ ट्रेन वो है कि मॉडर्न किस्म की रेलवे लाइन होगी 1680 किलोमीटर की हुआ ट्रेन वो ट्रैक ठाण वाली के लिए रेल हलती फास्ट टियों है कराची जो सर्कुलर रेलवे जो कि काफ़ी अर्से का बंद पड़ो चौथों लाहौर मेट्रो ट्रेन वो भी अभी तक कम शुरू की गया काफ़ी ये चार प्रोजेक्ट्स की जगह सीपेक सहारा थे इन्हें जो बनाए रास्ते में सीपेक और रस्ते से वास्तव को नहीं पर समझो ये तो बने जैसे ये सभी कम्युनिकेशन या प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट की था ये अल्टीमेटली सीपेक के ओवरऑल इन प्रोजेक्ट के जो उसको वधीक कम्प्लीमेंट करा उन्हें जो वधीक उन सब इंटीग्रेट थी ना इन खिलाफ एनर्जी का प्रोजेक्ट्स आए जैमें सिंध में खास तौर से इन सभी टोटल हिमत तक एस्टिमेट है पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से तो तकरीबन 46 का 57 बिलियन डॉलर्स इन वक्त तक एस्टिमेशन उठाई गई है प्रोजेक्ट्स में तकरीबन 57 बिलियन डॉलर्स ज़ाहिरा तरह का शेयर मुफ्त चाइनीज दुनिया में किसी भी एड रेड को देता है ग्रांट ग्रांट को देता है ये अमेरिकन वही भी देता है तो चाइना तरह के जो कुछ भी दे दो जो कर्ज है या इन्वेस्टमेंट है एक अंदाजे मुताबिक तकरीबन 3 बिलियन टू 3.5 बिलियन डॉलर्स ताकि हर साल रीपे करो उनकी डेट सर्विसिंग करते हो रीपेमेंट एंड सर्विस हर माला तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर्स यानी तकरीबन 400 अरब रुपया ज्यादा थी गया जेके ता के हर साल को वही मोटा के जाना है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट कर दे ता करो ता पर एक में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आए हैं जेके इन कॉरिडोर के हिस्सा में मतलब गुलाज के अंदर तकरीबन 2700 किलोमीटर से या रोड है जो क्वार्टर खाने जो काशगर है उन खान 200 किलोमीटर की भी टनल भी छी जेका भी इन सीपे के हिस्सो उन अलावा पोर्ट ठा रेल रोड्स ठा एयर डेटा कम्युनिकेशन चैनल भी ठा इन गो जितना जितना सीपे लंघो इन प्लैन ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ठाईंदा उन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए मुहैया बल्कि उन्होंने टैक्स की रियायत मिली तो जो उतने मानू इन्वेस्टमेंट कर टैक्स घने हद तक फ्री होंगी वो कुछ एरिया जिनमें टीह साल टैक्स फ्री आज को भी कमाई करो इनकम टैक्स वगैरह को कुछ इलाके में 24 साल टैक्स फ्री आते स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इंडस्ट्री लगे सर्विस सेक्टर डेवलप थे रोजगार एक अंदाजे मुताबिक 10 लाख इम्प्लॉयमेंट या कोर्स 10 लाख माउंट इम्प्लॉयमेंट मिली 2030 तीन इनके अलावा यो भी इंडिया भी तवक्का है तो जाहिर वो प्रोजेक्ट जहाँ मुख्तलिफ हिस्सा जैसे डेवलप ह्यूमन रिसोर्सिस भी डेवलप थे स्किल्ड लेबर की जरूरत पवी स्पेशलाइज लेबर की या स्पेशलाइज प्रोफेशनल की जरूरत पवी उ भी तहरा ट्रेन करना पौधा उन्हें भी तीन कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ी तेरे पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम रही है तो ह्यूमन रिसोर्सिस
नौजवान बराबर आहिनि या आहिनि त उहे अंडर डेवलप्ड आहिनि उनजी बि हिकिड़ी तवका ई आहे त पूरा ई थींदी। हाणे हिकिड़ो इंट्रेस्टिंग जेका शइ मां हिन ते रिसर्च पे कई त मूंखे ॾाढी इंट्रेस्टिंग ॻाल्हि लॻी त शुरू में यानी अक्टूबर 2008 में बिग चाइना सां ॻाल्हियूं थियूं हुयूं पाकिस्तान गवर्नमेंट जो उन वक़्तु इहो पे डिस्कस थियो त कराची खे ऐं असांजे पोर्ट कासिम खे डेवलप कजे जेको इहो सी पैक जेको उन वक़्तु सी पैक त हुई पर इहो छॾण त इंडियन ओशन जेको आहे उतां तक़रीबन 80% जेको चाइना जो ख़ासि तौर ते ऐं शायदि दुनिया जो 60-70% मैरीटाइम इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड जेको आहे उहो जेको स्ट्रेट ऑफ मलाका साउथ चाइना सी खां तव्हां जेकॾहिं ईंदव त स्टेट ऑफ मलाका जेका आहे उहो आहे हिकिड़ो यानी ईअं चओ त इंडोनेशिया और जेको पेनिनसुला आहे हुन जे विच मां जॾहिं जहाज लंघनि था त पोइ अचनि था इंडियन ओशन में। हाणे उहो तमामु स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट इहा हमेशह रही आहे इहे घणी चओ त जेकी कमज़ोरी रही आहे चाइना जी चाइना जी स्टेट ऑफ मलाका बंदि थी वञे कंहिं बि वजह सां जंग जे करे या कंहिं बि हुनजे करे त चाइना में जेको इंडियन ओशन में अचो इमीडिएटली नामुमकिन थी वेंदो। तंहिंजे करे चाइना खे स्टेट ऑफ मलाका खां पाण खे बचाइण लाइ चाइना जे लाइ सभु खां आसान इहो आहे त चाइना जो 80% ऑयल अचे थो स्टेट हुन मां पर्शियन गल्फ मां। हाणे जेकॾहिं पर्शियन गल्फ मां ऑयल खणी चाइना वञे पंहिंजे साउथ चाइना सी खां स्टेट ऑफ मलाका खां चाइना त हुनखे 2-2.5 महीना लॻी था वञनि ऐं हितां जॾहिं तव्हां डायरेक्ट बॉर्डर मां उही पर्शियन गल्फ मां बॉर्डर मां तव्हां पंहिंजे राजगढ़ मोकिलियो त तक़रीबन होॾे 16,000 किलोमीटर आहे हिते 5,000 किलोमीटर आहे प्लस होॾे तव्हांजो जेको आहे सी जो रूट आहे उहो ॾाढो स्लो हूंदो आहे तव्हांखे ख़बर आहे हिते जेके फास्ट ट्रेन्स ठाहे छॾनि था रेलूं तेज़ हलनि थियूं त हे त ॿिनि किलोमीटर सां माण्हू हुते पुॼी वेंदो। तंहिंजे करे हिकिड़ो इनकलाब अची वेंदो चाइना जी पंहिंजे पॉइंट ऑफ व्यू असांजो जेको मसलो आहे उहो बाक़ी आहे इन करे ग्वादर खे सिलेक्ट कयो तॾहिं ग्वादर जेको आहे इहो इंतिहाई छॾण पश्चिम गल्फ जे भरिसां आहे उतां ग्वादर मां ई ट्रांसपोर्टेशन थींदी रूट्स जी ऐं सिधो काश्मीर काश्मीर खां पोइ सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया खां पोइ मथे भारतीय रिपब्लिक्स पोइ तव्हां यूरोप ताईं पहुचाए सघूं था। तंहिंजे करे ग्वादर जो जेको आहे फ्यूचर हाणे ॾाढो इंपॉर्टेंट थी वियो आहे छाकाणि त ग्वादर में तुंहिंखे ज़बरदस्त क़िस्म जो सोफिस्टिकेटेड पोर्ट ठाहिण ऐं कुझु माण्हू छा कंदा शायदि बेस बि ठहे चाइना जो छाकाणि त चाइना जी जेका थियरी आहे उहा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जे नाले में यमन खां वठी यमन हुन खां पोइ असांजो इहो पाकिस्तान हुन खां पोइ श्रीलंका बांग्लादेश ऐं मथे ताईं हुननि इहो बेसिस जी पूरी स्ट्रिंग ठाही आहे हिते 11 बेसिस आहिनि चाइना जा छाकाणि त चाइना सम्झे थो त जेको फ्यूचर आहे उहो बेसिकली एशियन सेंचुरी आहे उन में इंडियन ओशन जेको आहे ॾाढो पिवटल रोल आहे ऐं छाकाणि त इंडिया हिन वक़्तु एट दिस पॉइंट इंडियन ओशन ते इंडियन डॉमिनेशन आहे। सो इंडिया इन करे बि काफ़ी परेशान आहे त जेकॾहिं चाइना इकनॉमिक पेनिट्रेशन करे थो लेवल बेसिस ठाहे थो हिन पूरे खिते में त पोइ इंडियन डॉमिनेशन जेको आहे सो तकलीफ़ ख़तमु थी वेंदी छाकाणि त इंडिया अॼु बि चाइना जे मुक़ाबले में काफ़ी पोइते आहे। चाइना ऐं इंडिया जो जी डी पी जो बि तमामु वॾो फ़र्क़ु आहे। चाइना जी जी डी पी तक़रीबन $13 trillion आहे ऐं इंडिया जी जी डी पी जेका आहे उहा चाइना जो 1/3 न आहे। ऐं हिन खां अलावा मां तव्हांखे एग्ज़ैक्ट फिगर ॿुधायां त चाइना जी जेका जी डी पी आहे उहा आहे तक़रीबन 11.22 trillion ऐं इंडिया जी जी डी पी आहे 2.4 trillion पर 1/6 ऐं चाइना जा रिज़र्व जेके 3,000 billion dollars $30 trillion चाइना जे चाइना वटि रिज़र्व फॉरन एक्सचेंज रिज़र्व जॾहिं इंडिया वटि 686 billion हिन वक़्तु दुनिया में वॾे में वॾो जेको क्रेडिटर आहे जंहिंजो सभ खां वॾो मकरूज़ अमरीका आहे उहो चाइना ऐं चाइना
बट इन करे कहना के लगे भी कोई प्रॉब्लम आ तो क्यों कैपिटल पयो इडो नॉट फॉरेन एक्सचेंज पई आ हो जे तो के का इन्वेस्ट कर ये जो को प्लान है सीपैक वालों ये सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक है बिना फिटे जवाब था तो इन फैक्ट देयर आर 60 कंट्रीज ओवरऑल सब मुल्क है दुनिया का देखे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन वन रोड वन बैंक मॉडल प्लान है उनका हिस्सो लेकिन अल्टीमेटली चाइना की जगह कोशिश है असा दुनिया के जितने जमाने में या कब्जो करे गल को डिप्लोमेसी का या मिलिट्री पावर सा गंडे बैठा ब्रिटिश एम्पायर हुई के जमाने में फ्रेंच एम्पायर हुई या पोर्चुगीज या स्पेनिश एम्पायर हुई वो सब गंडे के दौर थे कब्जो कर उन्होंने दुनिया में पानी सौ साल डेढ़ सौ साल राज रखो चाइना जो प्लान डिफरेंट था चाइना तो भाई ठीक है अस इकोनॉमिकली अस इंटीग्रेट कर चाइना है चौथा फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड चाइना की पूरी दुनिया के लिए गुड्स तो उठाए बुधा चाइनीज गुड्स अमेरिका चाइना थोड़े वो ट्रेडिंग पार्टनर असा समझना शायद जेड़े जो मतलब तो तमाम सफा जेड़ो कर बी रहो कि पाकिस्तान इंडिया जेड़ो तो इन वक्त अमेरिका चाइना का पाया स्ट्रेटजिक जियो स्ट्रेटजिक तमाम बड़ा इख्तलाफ है जरे के दुश्मन है जेड़ो पर चाइना जो अमेरिका वही वो पार्टनर ट्रेड जो इन वक्त तक बुधाया तो 2016 में चाइना अमेरिकन स्टेट ने 115 बिलियन एक्सपोर्ट करी 405 बिलियन की इंपोर्ट करी माना अमेरिका खराब चाइना सिर्फ 2016 में 345 बिलियन डॉलर्स कमाया उनके बावजूद भी अमेरिकन ने उसका ट्रेड कर था ये जो ट्रंप रणी को तो आदमी चाइना सारे लुटे छेड़ो चाइना सारे ना मुसीबत करे थी ऐसा करने सारा 300 बिलियन डॉलर्स सिर्फ इतने मुल्क में क्या कमाया बावजूद अमेरिका कदों कर सके छो कुछ कदों कर सके छाने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाइनीज गुड्स दिया छाने चाइना में लेबर चीप आ तमाम घड़ो चीप आ बल्कि चाइना में लेबर लॉस भी कौन है वर्कर्स के वो रेट्स में हो गया बेचारा मेजोरिटी वर्कर्स ये होते आए सिस्टम में फैक्ट्री में सुबह का होता है उन्होंने इमरजेंसी दौरान जो उठा रहे काम कर एप्पल कंपनी के गाय सभी जो फैक्ट्री आए अमेरिका में चाइना में लेबर चीप होने के करे एनर्जी चीप होने के करे जमीन स्टेट के जरिए रबत होंगी बगैर के सिविल लॉ है को सिविल इंस्टीट्यूशन मजबूत ही पड़े जो जी मरनी पवी और स्टेट की नैन सदी वो भनी बदली छा है नवा शहर खा छा तो कंपेटिटिव जो एज है चाइना के वो एतो घड़ो जो अमेरिकन जो कैपिटलिस्ट है अमेरिकन जो प्रोडक्शन है वो उनसे कुछ ही नहीं सके जिसके नतीजे में चाइनीज गुड्स जो अमेरिका में चीप होने के डिसाइसिवली वन था तो 350 बिलियन डॉलर सिर्फ चाइना अमेरिका को हर साल कमाई ट्रेड में सागे तरीके से बो नंबर जो पार्टनर है वो है यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन का भी 175 बिलियन डॉलर का चाइना कमाया हर साल चले यूरोपियंस भी एक्सपोर्ट करता है यूरोपियंस चाइना में इंपोर्ट भी करता बिनी में जो फर्क आ वो यो फर्क आ तो चाइना 175 अरब डॉलर साल में यूरोप में कमाया इतना उनकी हैरत थी तो इंडो चाइना यानी चाइना इंडिया के बीच में भी इंडिया चाइना जो चाइना इंडिया जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हालांकि अजा तीन जो सिर्फ जंग बंदी थी जंग जो 1962 में थी हुई लद्दाख में अजा तीन वो हालत जंग में है उन्होंने जो पीस ट्रीटी को थी कह रहे हो पहला समय स्टिल दे आर टेक्निकली स्पीकिंग एनिमीज उनके बावजूद तकरीबन 55 बिलियन डॉलर की उनकी पाल में ट्रेड आ हर साल 55 अरब डॉलर जो जो हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कर उतना भी चाइना 38 अरब डॉलर कमाई
इंडिया में पाकिस्तान में सिर्फ 14-15 बिलियन डॉलर जो मिले उन्होंने पाकिस्तान में 5-6 बिलियन डॉलर कमाई आ जाए तो उनकी वजह चाइना जिते भी ट्रेड करे तो जैसा भी ट्रेड करे तो 300% उनकी छा हो जाए उनकी वजह यह यार टे चार शयों कोई बात लेके धक में गुजारिश कई लेबर तमाम चीप आ बो तो कैपेसिटी बिल्डिंग कर सवन की तादाद में यूनिवर्सिटी ठहन अव लख का हर साल इंजीनियर था निकल 70-80 हज़ार हर साल डॉक्टर था निकल बेतहाशा साइंटिस्ट था निकल मुझे ख्याल में हम सब का पीएचडी चाइना में निकल वो समझन था ह्यूमन रिसोर्स ही आया अल्टीमेटली जो असतह बेतरफ अमेरिकन एजुकेशन बावजूद जो हाईली डेवलप्ड सेक्शन सेगमेंट जरूर आए जिते ओरिजिनल रिसर्च थे थी तो वो प्राइवेट सेक्टर में वधी का अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम हाँ काफ़ी डिफाइन में शिकार थे तमाम डिस्कशन शुरू किया तरीके से रिवाइव करें सो चाइना की जेका हर वक्त कोशिश आए तो दुनिया से गंढजे उनमें चाइना जो फायदो ए न सिर्फ इकोनॉमिक पर चाइना के बहरा जड़े तवाज दुनिया के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में कई तरीके से मिलाया था तो वो जो डॉमिनेंट रोल भी उन जिनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बनी चाइना की हिम्मत जी तक गुजारिश की अमेरिका जो मुल्क दुनिया में मोस्ट डेवलप्ड मुल्क समझे उतना भी जो आप 18.5 अरब डॉलर साल में कमाया दुनिया में जेके प्लेयर्स हैं जेके बेस्ट प्लेयर्स हैं उनके पुठियां भी वड़ी की दास्तान अमेरिका में भी सिविल वॉर थी अमेरिका भी 1500 साल विड़िया यूरोप वाला तक खबर आता 40 साल में दफा वर्ल्ड वॉर्स विड़िया 70 करोड़ मानू हुआ है सिर्फ 40 साल के अंदर यूरोप में उनका पेरों भी तुम दसो कि समन साल तीन उभरता रहा पर उतने बयान बशन जरूर कर एक तो उन्होंने मजहब के रियासत का अलग करो बो तो उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स हुआ उन्होंने डेवलप किया बेस्ट यूनिवर्सिटीज कायम क्यों जमहूरियत के छपर हेठा छत्री हेठा उन्होंने इंसान के उनका बुनियादी हक भी महफूज कर प्रॉब्लम यो असूँ शायद असानी तारीख जो ढी बेदर जालिम तारीख रही अस कुछ भी कौन थे असंध में खास तौर से मान जो तारीख पढ़ी आ अस कहीं कहत ना अस जमीन कर तारीख रखी सो मुझा मोहतरम प्रोफेसर बैठा मुझे तशरी कर सिंध की तारीख में मात न पढ़े मैं बुख वही बंगाल में हुआ हिंदुस्तान में हुआ राजस्थान में थोड़ा पर सिंध में जो मौजूदा सिंध आसानी खुशहाल रही है अस जगह भी नियम कलाकार में सजा कम रही है पुछो वे तो असो एग्रेरियन माशरो रो जैमें खुदकफीली की बुनियाद में मानून जाहिर उनमें एतो घड़ी जिंदगी या क्वालिटी ऑफ लाइफ जी घड़ी वधीक न हुई पर बुनियादी जरूरत मुझे ख्याल मानून के मिलंदी हुई
छाकाणि त हिते आबादी थोरी हुई ऐं सिंधुअ जे करे असां वटि जेका गुज़ारिश कई त असां वटि डेंगियूं अहिड़े क़िस्म जूं नथियूं आहिनि जंहिंसां असांजा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह थी वञनि यूरोप में थियो आहे। सो इहो जेको तस्वुरु आहे त असां वटि जेको अलबियो आहे उहो शायदि असां तारीख़ी तौर ते हिन जो शिकार थी विया आहियूं, असां मज़लूम आहियूं। मां सम्झां थो ईअं कोन्हे। असांजी जेकियूं पोयूं जनरेशन्स आहिनि उन्हनि जेको कुझु असांजे लाइ छॾियो आहे उहो तमामु घणो आहे। हे जेको अलमियो सम्झ शुरू थिया उहा रिसेंट हिस्ट्री जी ॻाल्हि आहे जंहिंमें सिंध जे अंदरि तमामु घणी लॾ पराण थी आहे, लख जी तइदाद में, करोड़नि जी तइदाद में जेको आहे माण्हू विझा आहिनि। असांजा शहर जेके आहिनि, असांजा जेके स्ट्रेटजिक एसेट्स आहिनि, असांजी पोस्टल बैंक्स थी वियूं, असांजा कोल माइंस थी विया, असांजा जेके एग्रेरियम जेके हब्स आहिनि, जेके बैरेज लैंड्स आहिनि, उहे सभु असांखां खसजी विया। उन खां पोइ असांजा कमर्शियल सेंटर्स बि खसजी विया, अर्बन सेंटर्स बि खसजी विया, ऐं जेका इंडस्ट्री लॻी जिते लॻी उते बि असांजो को अमल दख़ल कोन रहियो, भई कराची हुजे या हैदराबाद हुजे या सखर हुजे। त हीअ जेका बि वारदात थी आहे असांजी या असांजे कुझु जनरेशन जे दौरान थी आहे। सो हाणे इन पस मंज़र में जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदो त सिंध जे लाइ असांखे ॾिसणो पवंदो सीपैक जे ठहण खां पोइ कहिड़ा नवां प्रोस्पेक्ट्स आहिनि, असांखे छा ख़ुशि थियणु घुरिजे, या असांखे नतीजी कढणी जो पोइ असांजे ज़हर में का गणती पैदा थियणु घुरिजे। छाकाणि त हिकु इंतिहाई मां सम्झा थो त असांजे फ्यूचर जे हवाले सां ऐं असांजे सिंध जे ख़ासि तौर ते जेका असांजी मौजूदा सूरत हाल आहे उनजे हवाले सां इंतिहाई अहम क़िस्म जी डेवलपमेंट थी आहे। छाकाणि त जेकॾहिं असां पाण खे ऑर्गनाइज़ न कयोसीं ऐं असां पंहिंजे इन ई दाख़िली पेटी मसलनि में रहियासीं पोइ मां सां ॾाढो नुक़सानु थी वियो, तमामु घणो नुक़सानु थी वियो। छाकाणि त असांजी सिंध जा जेके टे मसल आहिनि उहे ॾाढा ख़तरनाक आहिनि। हिकिड़ो मसलो त इहो आहे त असां वटि एजुकेशन कोन्हे। एजुकेशन जो मतिलबु इहो कोन्हे त असां काविश पढ़ी सघूं था या नथा पढ़ी सघूं। एजुकेशन जो मतिलबु इहो हूंदो आहे त तव्हां पंहिंजी इकोनॉमिक डिसीशन्स ऐं पंहिंजे पोलिटिकल डिसीशन्स ऐं तव्हां पंहिंजा कल्चरल जेके रेलिवेंट फैक्टर्स आहिनि छा उन्हनि खे डिटरमाइन करण जे लाइ सलाही रखो था। छा तव्हांखे ख़बर आहे त मूंखे मुंहिंजी इकोनॉमिक डिसीशन मूंखे कहिड़े तरीक़े सां पंहिंजी इकोनॉमीअ खे, पंहिंजी पर्सनल मुंहिंजी फैमिली जी इकोनॉमीअ खे कहिड़े तरीक़े सां मां पंहिंजे इनहेरेंट या एक्वायर जेको मुंहिंजी क्वालिफिकेशन्स चओ या स्किल्स चओ या प्रोफेशन्स चओ इम्प्लॉय करे कीअं थो डेवलप करे सघां। असां वटि रिवायती तौर ते बि रहियो आहे त सियासी तौर ते अनाउंस करे जेको लोकल MLA MP साहिबु आहे उन सां हिकिड़ी या भुतान जेको बि आहे उनसां हिकिड़ी मजबूरन मुफ़ामत करे वोट जे आसिरे में या अनकंडीशनल सपोर्ट जे आसिरे में वोट खे नौकिरी वठी था। मेजोरिटी इहा ई आहे। चंद जेके असांजा आहिनि डॉक्टर्स इंजीनियर निकिरनि था उहे बि हिकिड़ी सर्टन लेवल ते वञी बीह था रहनि। असां वटि ऑन्टरप्रिनरशिप कोन्हे, असां वटि रिसर्च कोन्हे। इवन तव्हांजा इदारा जेके यूनिवर्सिटीज़ में ॾिठो था उते ओरिजिनल रिसर्च कोन्हे। सॼी दुनिया में जेका जेको मोटिवेटिंग फोर्स आहे, जेको काइनेटिक फोर्स आहे, उहो यूनिवर्सिटी आहे। 40-40 billion dollars जी इंडाउमेंट आहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जेके यूनिवर्सिटी में। पाकिस्तान जे इहे खणी चवां त सॼे 70 साल जे जो कर्ज़ हिकु तरफ़ हुते ॿिनि यूनिवर्सिटीज़ जो जेको 2 सालनि जी बजेट। पंहिंजे खां अलावा जेके ॿियूं नॉन यूनिवर्सिटीज़ जेके जेके कंपनीज़ आहिनि, मसलन फेसबुक आहे, गूगल आहे ऐं एप्पल आहे, इहे 3-4 कंपनियूं 100 बिलियन डॉलर साल में
इन्वेस्टिव कर ऐं उन में 25% इन्वेस्टमेंट आहे त उहे कहिड़ियूं मेडिसिन्स आहिनि जंहिं सां इंसान जी ज़िंदगी वधे त बीमारियुनि कैंसर जी बीमारियुनि खे मदद थी सघे ऐं इन्हनि कंपनियुनि जो कैंसर सां या इंसान जे लॉन्जेविटी सां वास्तो ई कोन्हे पर $100 billion चार कंपनियुनि खे ख़र्चु कंदा असांजी पूरे पाकिस्तान जी एनुअल डेवलपमेंट $4 billion जी आहे सिंध जी शायदि मुंहिंजी बि ख़ाली ॿ या टे बिलियन उहो चार कंपनी अमरीका जूं $100 billion ख़र्च थियूं कनि आर एन डी असां वटि आहे ई कोन असां वटि वधि में थी वियो आहे जेके ॿाहिरों इम्पोर्ट थियनि थियूं शयूं उन्हनि खे कॉपी करे थोरो घणो हणी कमु कढी था वञूं ओरिजिनल इन्वेंशन डिस्कवरी इनोवेशन असां वटि कल्चर ई अफ़सोस सां मूंखे चवणो थो पए त असांजा उस्ताद जेके तमामु घणी तरह बाक़ी एक्सेप्शन न हूंदा जेके यूनिवर्सिटीज़ खे बि नौकिरी था सम्झनि ऐं यूनिवर्सिटी में नौकिरी त न आहे यूनिवर्सिटी त तव्हांजो हिकिड़ो लेबॉरेटरी आहे जिते तव्हां तख़लीक़ था कयो जिते तव्हां तहक़ीक़ था कयो जिते तव्हां नवाण था ॻोल्हियो जिते तव्हां फ्यूचर जा प्रॉब्लम्स प्रेज़ेंट जा प्रॉब्लम्स सोल्यूशन था कढो सॼी दुनिया में ई हूंदो उहो मेडिसिन हुजे इंजीनियरिंग हुजे आर्ट हुजे साइंस हुजे स्पेस हुजे उहो सॼो ॾींहुं लॻा पिया जेके बि तव्हां ॾिसो त तव्हां गुज़र जेकॾहिं 20 साल जो 50 साल जो तव्हां ॾिसंदव त तव्हांखे जेके बि सोल्यूशन्स मिलिया आहिनि उहे तव्हांखे बेस्ट मां मिलिया आहिनि या कॾहिं कॾहिं को चाइना वञे मोकिलियो चाइना हाणे आहिस्ते आहिस्ते डेवलप करे थी न त वेस्ट वटि हज़ार ताईं वई आहे बिकॉज़ हुननि यूनिवर्सिटीज़ खे ॻढ़ो बणाए छॾियो हाणे सवाल ई किथे जॾहिं इहे सभई प्रोजेक्ट्स ईंदा त हिन सां सिंध ते इन करे वधीक असर पवंदो जो असां वटि टे जेके शयूं मां तव्हांखे गुज़ारिश कई असां वटि एजुकेशन कोन्हे ह्यूमन रिसोर्सिस कोन्हे ह्यूमन रिसोर्सिस न हुजण जे करे असां वटि स्किल्ड लेबर कोन्हे हाई स्किल लेबर जेको तव्हांखे हिन इंडस्ट्री लाइ घुरिजे हिन वक़्तु थर्कोल प्रोजेक्ट ते जेको कमु हली रहियो आहे हिकिड़े से ब्लॉक ते 900 चाइनीज़ इंजीनियर कमु था कनि अॻो ॿुधायो त जेकॾहिं असांजा डेवलप थियल हुजनि हिन फील्ड में माण्हू उहे कमु कनि अहिड़े तरीक़े सां जेकी इंडस्ट्रीज़ जेका डेवलप थींदी हाणे सीपेक वारे रूट ते या पाकिस्तान पूरे एनर्जी जा प्रोजेक्ट थींदा डैम्स ठहंदा उन खां पोइ तव्हांजो कोस्टल बैंक खे डेवलप कंदा पोर्ट्स ठाहींदा ऐं रेलवे ट्रैक्स लाइ तव्हांखे ह्यूमन रिसोर्सिस घुरिजनि असांजी यूनिवर्सिटी में मूंखे ख़बर आहे त केतिरा पी एच डी था लिखनि साल में सिंध में उहो निकिरनि था त मुंहिंजी मूंखे त का नज़र नथी अचे त उन्हनि जो सोशल इनपुट बि किथे मिले असांखे इकोनॉमिक इनपुट बि मिले या घणा पेपर्स था छपजनि यूनिवर्सिटीज़ मां ओरिजिनल इंटरनेशनल पब्लिकेशन्स अहिड़ो को मूंखे ख़बर न आहे एटलीस्ट हूंदा बि त एतिरा न आहिनि जो मूंखे ख़बर पए या तव्हांखे ख़बर पए त असांजी यूनिवर्सिटी दर्शी एजुकेशन जेका आहे उहा बि असांजी सुठी पई आहे उहो बि नौकिरी था कनि यानी प्रोफेसर जेको आहे उहो सम्झे थो मां नौकिरी थो कयां मां वञी पढ़ायां थो मतिलबु पघार थो दैट इज़ ट्रेजडी छाकाणि त प्रोफेसर नौकिरी कोन कंदा आहिनि प्रोफेसर जेको आहे हिकिड़ी मशीन आहे हिकिड़ी क्रिएटिव मशीन जेका दुनिया में हलाइनि था सोल्यूशन्स था ॾियनि त हिकिड़ो प्रॉब्लम एजुकेशन लेवल जे करे असां वटि ह्यूमन रिसोर्सिस कोन्हनि ॿियो प्रॉब्लम असां सां आहे असां वटि कैपिटल कोन्हे हाणे जॾहिं इहे इंडस्ट्रियूं लॻंदियूं जेकी इहे स्पेशल ज़ोन्स ठहनि था 7 या 8 स्पेशल ज़ोन्स ठहंदा जिते मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं इंडस्ट्रीज़ लॻंदियूं उन्हनि इंडस्ट्रीज़ खे रायतूं मिलंदियूं टैक्स मुंहिंजी फ्री हूंदी हाणे घणा सिंधी आहिनि जंहिं वटि तव्हां वटि कैपिटल हुजे त असां बि वञी जेको आहे हुते उन्हनि इंडस्ट्रियल पार्क्स में वञी जेको आहे असां पार्टिसिपेट कयूं असां इंडस्ट्रीअ में असां वटि कैपिटल ई कोन्हे भूतान कैपिटल आहे त उहो रेंट बि थो वठी अचे या वञी दुबई में जेको आहे मोहल थो वठे या वञी लंडन में थो रहे उहो त अयाशी लाइ पैसा कमाए उहो रीइनवेस्ट करण लाइ कोन थो कमाए भली रिश्वत लाइ ई पैसा आहिनि असां वटि कैपिटल बि कोन्हे हाणे कैपिटल बि कोन्हे असां वटि लेबर बि कोन्हे स्किल लैंड जेका आहे उहा असांजे कब्ज़े में कोन्हे रिसेंटली 9,000 acres वरी डी एच ए जा वठी छॾिया केर था चवनि 9 केर था चवनि 12,000 acres
30,000 एकड़ उत्तर वठी चुका है बीएचए सिटी के नाले से, 12,000 एकड़ भी करते तो वाले का सुपर आए थे खबे से था रहेंगे और खबे से भी हम सकते, 16,000 एकड़ के पास वो बैरिया और वठी चुका था। सजी सिंध में जेके पब्लिक लैंड्स आए उते गाढ़ा मानो जेके नजारा कदा वने वह लैंड के पास को इंडस्ट्रियल पर्पस ला प्रोडक्टिविटी ला इस्तेमाल कर सके। देखो वो से दोस्त इकोनॉमिक्स जारी है कि ट्री चार सेक्टर होता है, लैंड लेबर कैपिटल तो हमें बुनियादी मिल पा फिर वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं किन्हीं के ऊपर पड़ गया आज भली कोई तक पार पड़ो को कहे वो जो 1,000-2,000 बन गया 5,000 बन गया ताकि खबर न पड़ी उसकी और रात को जो चेंज कर सकता बाउंड्री वाला के लिए खबर न पड़ी जब बैठे तेरे करे आसानी से इस सिंध में इंडस्ट्री 500 के भी दिला गया तब जिसका फ्यूचर जो को प्रोस्पेक्टिव देख के नजर अच्छा दावन में तो ऐसा ये स्किल वाले बुजुर्ग आसानी कैपिटल बुजे आसानी एंटरप्रेन्योरशिप बुजे तो जी ऐसा कंपीट कर सकते हो पंजाब का जो मालूम काफी रहते हैं पूरे मामले में के काफी सहूलतों के आने बैंकों से खरीद कर चुके तो बैंक स्मॉल में लोन स्थापित कर आसान भी प्रॉब्लम ही आ रही है कि इंटरेस्ट नेशनलाइजेशन का वो बैंकों में जो कॉस्ट है उसे पैरों प्रॉब्लम पर कुछ ना कुछ ना कुछ बैंक ना तो हो सॉफ्ट कैपिटल आने बैंकों के ताले चुकी है प्राइवेट सेक्टर में वो बता रहे यदि कौन बैंक में तो क्रेडिट रेट डाउन के जब कोलेट्रल आ जिनमें ऑलरेडी तमाम घरों सर्वाइव विरुद्ध आ गिर भी रखी वधी कला वचन किथा ही तो सर कैपिटल असा सीरप कार्य क्यों करा असा असा जा शहर के को भला वजन असा जा के पोर्ट साइन कराची के पोर्ट आए पोर्ट कासिम आए अरे इन में केटी बंदर का प्रोजेक्ट भी शुरू करा असा जी का सीबे को और को मंसूब वासिंद जवाले था इन में केटी बंदर जो प्रोजेक्ट भी शुरू करा जेते चवंदा तो 5 बिलियन डॉलर जो तकनीक लगाया हुआ है अरे केटी बंदर जरे छांदो वरी वो मैं बुलाया हिंदुस्तान अच्छा खबर दूसरे घर को अच्छा मत हो जे तो तवाज जे वेंडो ठठे तो तवाज तो किसान दौर तो जिका केटी बंदर जे इलाके वाले जो को घरों घड़ी जगह बनी है उत्ते वो अग्नि वटी चुकी है वो मतलब जो लोकल मानू है उन्होंने कौन है आई चाहता था लोकल मानू या सिंध जो असल में लोग मानूंगी उन्हें वट भी कैपिटल कौन है नौ वट वा सीरप कारी भी वा हुनर मौजूदा एंटरप्रेन्योरशिप मौजूदा माना था कि वो कैटी बंदर जो इलाको जो हुआ जो फ्यूचर में तो गंडी में जो कराची था उतने भी जा रहा मतलब धारियाई था कायम जाए था मानू ये जो बाय टुकुर बच्चों आसान ठंडो बदी बदी में भी खैर पुराना मिशन थी रखते धाया पर ये जो ठंडे वालों में कुछ बच्चों आए लाख मुझे दिलचस्प कारोबार को था ये बदारी ये भी ताजा था निकल गया इस वजह माँ डेवलपमेंट के खिलाफ ना है धाया डेवलपमेंट आए तो सामने ना माँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदला जाने कराची में इंडस्ट्री डेवलपमेंट थी तीन साल में शहर किथा ने किथा बुढ़ी हो असा ने कुछ नहीं वधि वधि असा ने पुकार दे कराची जरिए असा जाई हो बुटे साहब के जमाने में कोटा सिस्टम के जरिए किथा के नौकरी नौकरी मिलना शुरू थी या कस्टम कस्टम में नौकरी मिलना शुरू थी तरे उन्हें सर कराची पुकार दे सिंध जा मानो इंटीरियर सिंध जा मानो कराची पुकार से 70s है 80s में तेस्ताई का सजी इंडस्ट्री सजा कोरंगी साई लांडी ये सब जो के इंडस्ट्रियल साइट्स हैं वो तो बहुत ही है एक क्रांत कामी उनकी हेल्प दी थी जब तेस्ताई एक्सचेंज जो को क्रांति स्टॉक एक्सचेंज जो ये को फंड थी भी आ उनमें एको ये करें जो होता है एग्रीमेंट आता है कुछ तो वो तू स्पीकिंग बेड़े से जो पंजाबी चंद्र को मेमर ये टूट गया पाकिस्तान फेडरेशन में भी तो आवेदन हो जाएगा नहीं तो करने ताकि सिंधी नंबर दो जगह इंसान दर्ज हो जाए सरकार का सब आयु ही बोलो दे सो हर जगह पर यो सीपे के नाले में असा बड़ी देखिए ब्याज स्ट्रेटजी का सारा मसला को
पोल आ थर्ड पोल का मन तो केडी तो रेंजर्स के हाने कब्जा है तानी को बस बोलते थरी पे पा बेचारो वो ड्राइवर ता है कुक भी आए नडो को मजदूर भी आए पर पूछो घणा जी ने क्या तो यो प्रोजेक्ट शुरू किया 2013 में थर्ड पोल जो प्रोजेक्ट भी सीपेज जो पार्ट है हाने जेकर वाकई सिंसियर हो जाए तो लोकल मॉडल के उनको फायदे मिले उत्ते पहली गल एरिया से उन प्रोजेक्ट से रिलेटेड मॉडल के ट्रेनिंग दें असा इंजीनियर पैदा थे इन फील्ड में उनके इंसेंटिव के अंदर थर का मॉडल थर का छोकरा उनके पढ़ाए चाइना जा रहे 900 इंजीनियर हिगड़े प्रोजेक्ट में इन वक्त तकरीबन 10,000 चाइनीज कंथन प्रोजेक्ट्स ऐं तखमीन हुई आहे त फ्यूचर में हिन तादाद 3-4 टाइम वधंदी तव्हांजा जेको तव्हांखे उमेद आहे त इंप्लॉयमेंट जेको चवनि था 1 मिलियन माण्हू वॾा थींदा एम्प्लॉइस जॉब्स क्रिएट थींदा उनजी लेवल छा हूंदी छा असां बसि ड्राइवर ऐं थुक ऐं असां माली ऐं ॾियारी जे कम करण वारा मज़दूर हूंदा बाक़ी जेको मथे हूंदो सॼो छाकाणि त तारीफ़ ई कोन्हे असां वटि असां वटि उहा कैपेसिटी ई कोन्हे का तंहिंजे करे उहो मामिलो जेको आहे उहो असांजो नुक़सानु थींदो हिन खां अलावा जेको ॿियो मसइलो आहे असांजे लाइ सिंध खे जेको जिते सोचणु घुरिजे उहो आहे त बुनियादी तौर ते पाकिस्तान हिकिड़ो वफ़ाकी मुल्क आहे जॾहिं बि तव्हां को फ़ैसिलो कयो था जंहिंसां कंहिं हिकिड़े सूबे जे मुस्तक़बिल जे बारे में के फैसला थियनि था त इहो ज़रूरी आहे त उहो मामिलो CCI में खणी वेंदो पब्लिक कयो ऐं उन सूबे जी रज़ामंदीअ सां कयो अॼु ॾींहं ताईं ख़ुदि चीफ मिनिस्टर वञी पवंदो रहियो आहे त असांखे ॿुधायो सीटे आहे छा कहिड़ी ॻाल्हि आहे अॼु ॾींहं ताईं ऑफिशियल को बि जाने क़िस्म जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हिकिड़ो लॉन्ग टर्म प्लान त कयो अथऊं उन खां पोइ जेके एडिशन था थियनि रोज़ तब्दीली थी अचनि वणनि बि था पाण कॾहिं कैपी थो इल्ज़ाम हणे इस्लामाबाद ते कॾहिं लाहौर बि थो इल्ज़ाम हणे इस्लामाबाद ते कॾहिं कराची हमेशह हणी थो करे बलोचिस्तान वारा रहनि था त इहो बि हिकिड़ो मसइलो आहे त सिंध जे अंदरि जेको मिडिल क्लास थियो असांजो जेको तव्हां असां दोस्त खे चयो असां हाणे पाण खे सिर्फ़ु हिकु नंढपिण मसइलनि ते या हिन मसइलनि ताईं महदूद करणु खपे इहे जेके लॉन्ग टर्म मामला आहिनि जीअं साईं ॻाल्हि कई असांखे सोचणो पवंदो जीअं विषय ॻाल्हि ते हाणे इहे जेको इंटरनेशनल इकनॉमिक पेनिट्रेशन जेका आहे इन खां ॾाढा ख़तरनाक नतीजा निकिरी सघंदा असां जॾहिं पंहिंजे वसीलनि जो पंहिंजे ज़मीननि जो असां पंहिंजे जेको असांजो हक़ आहे उन हक़नि जो दिफ़ा न कयोसीं त जीअं असांखे कराची मां कॾहिं फिटी कयो हैदराबाद मां कॾहिं फिटी कयो तव्हांखे हिंदुस्तान में कासिमाबाद में पटाव वरिती पोइ बचंदो छा अफ़सोस इहो आहे त असांजी जेका सॼी तवजह आहे उहा रिवायती तौर ते जेका आहे उहा सिर्फ़ु सियासी हवाले सां थी आहे बसि उहो इलेक्शन जे हवाले सां हुजे या कंहिं ख़ासि लीडर जे हवाले सां हुजे ख़ासि इश्यू जे हवाले सां हुजे या लसानी हवाले सां हुजे एथनिक हवाले सां हुजे हिकिड़ो जाम असांजे लीडर इलेक्शन में हिकिड़ो जाम डिस्कशन थियणु घुरिजे जंहिंमें सिपे कहिड़ा मसइला जेके आहिनि उनखे वेही जेके बि पार्टियूं आहिनि उहे सभु गॾु वेहनि ऐं उन जा जेके बि रुख आहिनि जेके बि उन जूं तोड़ायूं बि आहिनि जेके जा फ़ाइदा आहिनि उन ते हिकिड़ो कंसेंसस क्रिएट कनि ऐं माण्हुनि खे एजुकेट कनि पाण बि एजुकेट थियनि ऐं उनखां पोइ हुन ते बि मुतफ़िक़ा राय अचणु घुरिजे त भई ठीकु आहे तव्हां जेकॾहिं इहे प्रोजेक्ट सिंध में शुरू था कयो छो त तव्हां वटि थर्ड पोल आहे हाणे थर्ड पोल ते कब्ज़ो बि थी वियो ऐं तव्हां थरकोल मां जेका बिजली निकिरंदी उन मां हिकिड़ो वाट बि सिंध में कोन मिलंदो इहो एग्रीमेंट में शामिल आहे उते कमु बि शुरू थी वियो उते कमु एंग्रो वारनि खे ॾेई बि छॾियो ऐं मूंखे अफ़सोस सां चवंदो त एंग्रो वारनि खे सदा ई दानिशवर रखिया आहिनि जेके उन्हनि जा उहे प्रोजेक्ट्स विकिणनि था जेके
सेफ था कि पब्लिक था कि उधर का जबरदस्त काम किया फोटो था पकड़ने के लिए फिर भी माये से कि भी ट्रक हलाए सो गाली है अब वादा आहिस्ता असावट पिछो ये तो बच्चों छाए असावट बुद्धान के लिए रही के निकली के डिस्ट्रिक्ट में विश्व असावट आए देखो हुए हुए थे उन्हें जो छा शरा असावट गैस के तो निकली आ उन्हें जो छा शरा असावट जो पब्लिक लैंड्स हैं बेला हैं असावट शहर हैं उन्हें जो छा शरा के खेला मतलब किए था वो असावट असावट सिंधु जी अंदर है मत क्या गुरबत की हालत आ मजा नहीं सो तो जिन्हें इंटरनेशनल प्लेयर्स अचंभ दाता ये मुल्क का भैया था ये सुबह में तो कहाँ गए तो आटो बहुत अच्छा हो गए ये तो मतलब क्योंकि तवा उन्हें साथ आ कंपीट करो जिके दुनिया में बीट कर चुका है मतलब बताएं तो अमेरिका जिन्हें मुल्क का उस वक्त 100 अरब डॉलर सारा लगा था ना यूरोपियंस का हमारे पास 175 अरब डॉलर साल में लगा है इंडिया जो मुल्क जो कॉलेज का हमें 3000 अरब डॉलर साल में लगा है इकड़े इड़े मुल्क सा जड़े तवा व्यापार के जरिए उन जो हवाले पूरा मजा शहर है मजा इलाका है मजा वसीला हवाले का करे छो ए मथे मथे तवा उन जी जेका भी बारगे ना वो करे बेहो था तो जेके आम गरीब मर्दो आए थे उन्हें किसान जो हशर थी लो उन्हें बारे में क्या सोच लो जरदारी तो कौन सोच लो जरदारी भी ये सोच लो तो इन्हें मां कोई फायदा कौन कर दो कितना है रोड लगा दो तो बाद में जमीन बनी जगह तो ये पुमाई और ये जमीन बिकी होंगे पैसा कमाए सो अभी है तो ये लगा मासूमियत को तो क्रिटिकल सवाल है जेके असान के करना होगा जेकर ऐसा ने पानी फ्यूचर बचाना आ असा बिल्कुल खुश है भली डेवलपमेंट थे सीबेट ला प्रोजेक्ट अचन पर उन दा जो को रिक्वायर्ड जे के कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एंड पॉलिटिकल जे के रिक्वायरमेंट्स है जे के तकाजा है वो क्या पूरा थम हो जाते इडा बड़ा बड़ा मसला जे इडा बड़ा बड़ा जे मॉडर्न टेकिंग्स से करता कुछ है न खत्म ऐं उज़र भी निकल रखे हुए बाद पता नहीं सा का इन्हें जिस खिलाफ रेजिस्टेंस में बैठा है तो आगे खबर न पहुंची तो तमाम की मकरूज थी वे लोग ये बात आगे बुझा है तो 3.5 बिलियन डॉलर का ये हर साल सिर्फ रीपेमेंट कर रही है एक कितना नहीं साल होता है तो एक कर्ज ये ताकि जो तो मिली रहा कर्ज हो एक ग्रांट ग्रांट को नहीं कुछ चमन था ऐसा कि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ना है कर दो ऐसे कि एक ग्वादर दिया है तो ग्वादर भी ना हो जिसे ठाई ना तो जिसको कमाई ना पार खाए 90% तो पार खाए था चाइनीज 10% निकाल इस्लाम बात के बोलो जिस साल जैसी हो ये उन्हें जी पांच ही फिगर आता पड़ी होती है तो इड़े तरीके सा असम के तरीके से बुधाई उन्हें जिन्हें केटी पंद्रह के डेवलप करता उन्हें उन्हें वो डेवलप थे था वो ने जहाँ छाप काम करने कंडीशन था लोकल मॉडल के छाप न दो सिंधु के छाप न दो वो प्रोजेक्ट आए मोटरवेज दो कराची में ऐसा पिशावर था मोटरवेज का ठहरे थी उनमें सक्कर का मुल्तान था वाला जो सक्कर का लाहौर था वाला जो सेगमेंट आए वो भी सीपे के उसको अरे उन्होंने देखी वो अरबों रुपए में खर्च किया या तो हीरो मुझे अच्छा काम करने कंडीशन थे वो तो 5 लेबर था 10,000 लेबर बचे हैं और पांच तो लेबर भी मानो का इस्तेमाल करते हैं आम मानो के उन्हें ते उन्हें फिर फायदा हो रहा था तादेशों ने कहे सुपराइज का आम लड़ो मार्केट कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में दी 345 मानो वो ठंड जा मुझे वही मोड आया ये गाल पर 2013-14 मोड आया तो ये ना अचानक WFO जो वो जो जो को इंजीनियरिंग इधर हुआ वो टेक ओवर करेगा ऐसे वो जो होता है सब बिनी तरफ का फैन सर चलता है बिनी तरफ का लगे ना बंद कर चलता है दोनों लगे हमारे साथ ये मोटर वेल अच्छा कि ये असम भरी आज है साझा दो ढेर कर रहा है बेचारा बिल्डिंग में जो सामने नौकरी वाले हैं रेवेन्यू
ये मैं डर दो पास था बहुत क्रास तो ना हो हेरे लेके लेके कटरा हटी चले वो लोग आजा असान बनी आते असान रंगा समझ सारा क्या बनी तो बात तो सही है लेकिन सुपराय छह वही पर जहाँ साल सच्ची साल पे हो वो ओपन रोड है और ओपन रोड के ना अचानक इतनी तरफ ना कटरा लोग आने चले वो तो बहुत बनी है मतलब 3 किलोमीटर बनी है वो जो को जितने पॉइंट्स टाइम का क्रॉस करने को और 3 किलोमीटर बनी मिस्टीन जो बनी तो कैसा भरे उतने पुणे और ना रोड क्रॉस कर भरे 3 किलोमीटर वापस मुड़ गए तो बड़ा होता तो बिगड़े ही नहीं गया था हमारा तो रस्ते को देखते हुए जाए बोर्ड को देखो यार छोटे जाओ ना वो 340 या 345 मरुआ बेचारा वो लाया वो कौन सी पिटीशन दाखिल करी सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जैसे मामा पिटीशन दाखिल की तब मुख्य तमाम घटना के सिद्धांत में मुख्य डाली तकलीफ थी मुझे नियत तरीके साथ नोटिस करना था सरकार तो सजा दली शाह साहब रिफ्यूज कर दिया चिता में क्यों इतना आदमी बात दी फोटो पे कुछ है तो ठीक है तो हमने दिए वो तो हैदराबाद में जुमा था निडर कराते हैं कुछ बाद में से फोटो में तो चाहिए थे लखन की तदाद मनु था वो ठड़ा बेचारा मुझे जिंदगी पर बात की रोड के अगर मिली तो ना क्लोज करे चलो तो मरी आ वो बेचारा सुबह ना होने खीर में लग जाए कि दुकान दे कम करता है रोड फैक्ट्री ठीक हुआ रोड फैक्ट्री दिला बना है वो बनी तो बनी करता है मेरा कब्रिस्तान तो जेटा घर था जितने ताऊ ने दुनिया खत्म करे चले सुपराव जो एक छह हुए तो मैं शाम की नहीं आता हूँ बंद करे जब 45 मिनट्स तक याद आ तो कोर्ट में उसको बेचारा बिठा हमने पूछा गरीब गरीब मालूम जिन जो वास्तव से भी
वाद के तरीके रिलेशन खटो और दिखाओ पियो मासे को तो तारीखी तौर से जो सिंध जो मिडिल क्लास आए साजा बताए पढ़ लाए जेका जिम्मेदारी तारीख तवा सा ते दी आ कदे भी करे के मिडिल क्लास ते लाया छकन तो काम करप्ट थी चुको आ पॉलिटिकल जो को मेनस्ट्रीम पॉलिटिशियन आ कंप्रोमाइज था पसावट कानून है आईन सुदा पण छाल के हालत नहीं पया जो प्रिंसिपल बन जत्थो बडे इस्लामाबाद में भेजो तो फिर जो मुल्क जो बाबू जैन तो वही चले किड़े किस्म के माहौल में असा के जेका भी सगा है ये सारी विषय गाल कही हजार की तादाद में असा को ट्रेंड पॉलिटिकल कार्डर मौजूद आ जो पांच पांच दौर में जेल काटा जनरेशन तबाह के बन असा सभी के सोचो पड़ो आखिर जो को नौ को रिहाने ये सिस्टम शुरू होते सीपे के नाले में इधर दे सेमिनार चल रहे हैं इधर दे बिल्कुल ओपन डिस्कशन चल रहे हैं सब जनता कंसेंसस क्रिएट कर रहा है एक बहुत ही मजाना भी चल रहा है नथी तो उनका ताब असा भली शायद अपने घर तक घर तक भेजो बाकी तो मैं वो बात तो समझा तो बचन तकातर जने अमेरिका जैसे मुल्क में ट्रंप जो सदर पूरी चीज हो जाए तो वो भी इन्हें तरह तो मिले जो जो कि या मेनस्ट्रीम जब सदर हो या जो कि पॉलिटिशियन हो या उन्हें उन्हें मालूम की गाल न समझी देखिए बिल्कुल पढ़े पढ़े अमेरिका में तो सब स्टैंडर्ड क्लास आए गोरन जो जगह जो मतलब भाई पानी में मालूम हो चुका है सब के सब खसे खड़ी है सब बढ़िया जितने जो चाइनीज के बाद गुड्स भी जा सब फैक्ट्री बंद थी सब बेरोजगार थी यहाँ से उन्हें मालूम उन्हें क्या करो असावट भी अलमियो यो आत वो वरी मानो जो को बेतहाशा जब उसे बीमारी जो बधाने जो बेरोजगारी के शिकार उसके साथ वो सारे को कनेक्टिव होने मुझे तो आप जोर से तो कनेक्टिव ठीक होने वो बड़े रहते हैं बाजी उन्हें एक सभा वाले तो बोल रहे हैं असाब के घुटे असला मिडिल क्लास सिख आए राइट्स की मूवमेंट्स के साथ ये पहला थोड़ा बहुत हेड किस्म जाने के सेमिनार जाने के वध का मत छोड़ मुझे सच्चाई साथ बाप के साथ साथ निकलो पड़ो जगह के साथ ये निकले से जाते हैं तब को डर फल का वो जा राष्ट्र का सर को सच में जाएगा हम के हुकुमरानी में साथ आजकल बंदा चला एडी इसे सीरम कारी सिंधी एडी इसे आबाद कारी सिंधी जो तवा कुछ कर ही नहीं सके दुनिया में तो बेतहाशा मिसाल है जब जहालत के करे बदहाली के बेरोजगारी के करे मानो कंप्रोमाइज करे चुप करे नहीं है खत्म थी गया अरे शहर में सोता ये वो छार नहीं गया शहर में सो वासन का मतलब है वहां सीपेक के कॉन्सेप्ट के खिलाफ आया इन डेवलपमेंट के खिलाफ आया पर यो जरूरी आ सा दिशाओं के जो प्रोजेक्ट्स आए उन प्रोजेक्ट्स आ सा जी पता दे सा जी हकन ते सा जी वसीलन ते मुराता हो तो है तगर तारीख सा सा जी ब्रेन दे या वो जी बात है जे मैं सा का आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ कसे पर केड़ा होए बैर को हुकुमरान दे के हुन सा हलो कर ले जिस तरह सा जी ने दिखन दा से कौन सोचन दा से पांची ओनरशिप मोड ना से मार तो समझा सा जो कोड में को फ्यूचर मेहरबान सतो सही असंजय मेहरबान शाह साहब तफसील से पैक ऐलो सवाल जवाब के सेशन के लिए असा दोस्त माइक खड़ी निकर हाल में जो दोस्त हथ मथे खो वो साई का वो सवाल कई जवाब दी अस कोशिश कदासूँ सवाल जो वर्चाव न हो तो बेहतर आकी बद में असरी कोशिश होंगी त असो मौक अभी सवाल जवाब दिए थैंक यू मेहरबानी शाह साई तमाम लाभायती सुी जान दिन था
बुधा हुआ थी तो अंग्रेज बात के दौर में सिंध में या खिते में डेवलपमेंट थी उनमें यो तो अवा सा गर्म पानी से मुस्तकिल रहा वह कें लोन की शिकल में को हाँ डेवलपमेंट थे पी वह बैंक जो चाइना के बैंक जो लोन आको जिक्र माना रेलवे ट्रैक है उनके तेज रफ्तार ट्रेन हल्दी जो मुझी रेलवे वालों से टेक्निकली कचहरी थी उन्होंने दस जै ट्रैक से मालगाड़ी हल्दी तेज रफ्तार ट्रेन हल उन थी सके तो रुको मालगाड़ी हल पब्लिक ट्रेन न हल सके चो बो तिक्र हाँ काशीगर का गवादर से रूट आने लंघ सिंध में को प्रोजेक्ट्स दसो पे शामिल हाँ उनमें तल दह लख मानू के रोजगार मिलन उनकी का सोशल सिक्योरिटी कान उन मिसाल जी हाँ प्रोजेक्ट हलन पे सवाल कह तो बेहतर डिस्कशन न हो थैंक्यू सोशल सिक्योरिटी कान दह लख मानू का सोशल सिक्योरिटी कान इन हवाले से प्रोजेक्ट सिंध में हलन पी का सोशल सिक्योरिटी कान इन बारे में साईं सवाल खां अॻे जेकॾहिं नालो या तारो थी वञे त महिरबानी बंद थी वे बट टेक्सटाइल यूनियन फैसला वाली बंद थी
काफी जवाब बिगड़ा दिए पखन के अंदर न्यू इंडस्ट्री में गाना है तो मार सकता है जो सारी इंडस्ट्री की जगह है खत्म थी उन्हें का तो जो कोई खाबदारी का ना है कॉरिडोर का यकीन है मुझे को ना लेस्ट की चला है पूरा मतलब आज खाब अधूरा ही रहता है कि अंग्रेज के वो असानी इंडस्ट्री की तूफानी से भी खत्म थी है अरे तरीके ना आसान जगह भी समझो पैदावारी जेके सूरत हाल है वो घटी वी ऐसा कभी ना रेलो समझो कभी थी ना उन्हें भी विषय नहीं दियो आए उन्हें वर्ड बड़ी एक याद होती मारी कहना हो और सवाल जैमें मेट्रो वालों मेट्रो ट्रेन वालों में
वो विलन था, वो कोशिश कर था पूरे फंड पर मन विश्व बटन को पालकी कर था पंजाब में जो कंपेटिटिव कल्चर आ पंजाब में पॉलिटिकल पार्टीज बढ़न थी पाण में नवाज शरीफ के टफ टाइम में छे तो एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के गठे पे लाए पर असर प्रॉब्लम ये हुआ सिंध में ग्राम सादिक लिए दो बजे तरीक अपोजिशन वीक सरदारी के दो बजे तरीक अपोजिशन वीक हाँ जैसे तब अपोजिशन हिंदी को न जैसे तब पुछाड़ो न कहो उनमें कड़ी पुजा डटे जो मर्जी पवे तो कर 1500 अरब रुपया खर्च थी चुका है एजुकेशन के तुझा घोड़ा स्कूल बेहतर थे तो सिंध में एनएफसी अवार्ड सतें एनएफसी अवार्ड का तकरीबन सा 300-400 बिलियन रुपीज मिला हर साल पॉपुलेशन तो वही तू पैसा काटे गया हॉस्पिटल के हाल ऐसो स्कूल के हाल ऐसो रोडन के हाल ऐसो जैसे तवी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जी है तबियल होते तो फेडरेशन से शिकायत कर चाइना का शिकायत कर गैर मंत्र की गाल तदें जैसे अस निकलता हाँ मिसाल तौर बुझा जो पानी का मसलो खेल तो मां पानी के मसले खड़े वक्त मुझे जहन में तो कराची की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में पाबंदी विझा चुकस कद के तारीख में बुध कराची में ग्राउंड स्टूम का बिल्डिंग ना ठा सकें अंदाजो कर घुर्जे तो कराची में बिल्डर्स माफिया लैंड माफिया कड़ी पावरफुल उनमें डीएच भी शामिल है उनमें बहरिया भी शामिल है उनमें आबाद वाला भी शामिल है मां उत यकीन कर तो मुझे खबर है कि तरीके से सर्वाइव कर पर ॾिसो नतीजो छा निकितो नतीजो इहो निकितो आहे त न सिर्फ़ उहा बिल्डिंग्स ते बैन पइजी वियो आहे टैंकर माफ़िया जेको आहे सो 17 मां 6 बचा आहिनि हाइड्रेंट्स उहो जेका रेती बजरी चोरी थींदी हुई उहो असां जेको आहे उते बीहारे छॾिया आहिनि रेंजर उनखां अलावा आरो प्लांट रज़दारी जी पंहिंजी कंपनी जेका हुई पाप ऑसिस उहा बंदि कराए छॾी आहे नसासत प्लांट हिते बंदि कराए छॾीसीं नसासत जेको तव्हांजे लाइ रासूर हुयो नसासत माण्हुनि खे तबाह तबाह करे छॾियो जेको करप्शन जो गढ़ बणिजी चुकी उहा असां बंदि कराए छॾी 17 वकील पिया अथऊं हिन वक़्तु 17 वकील बीठा हूंदा पाकिस्तान जा टॉप जा वकील मखदूम अली ख़ान मुनीर मलिक ज़ुबेरी फ़रूक नसीम त नारा खणो जेके करोड़ दफ़ी वठंदा हिकिड़ो बि ऑडर जेको आहे सो असां न वठी सघिया छाकाणि त सच जी ॻाल्हि था कयूं असां असां कंहिंजे मूंखे बि तमामु घणा आसरा वात में जेकॾहिं मां पैसा घुरां त शायदि किरोड़े मिली वेंदा मूंखे बि प्रॉब्लम जेको आहे उहो इहो आहे त तव्हां जेकॾहिं साबित क़दम थी निकिरो था त नतीजा निकिरंदा तव्हां इहो वादो कयो असां निकिरूं मसला असांजा जेके अहिड़ा आहिनि तव्हांखे हिन जवाबु ई कोन्हे हे तव्हां जेका गोॾा खोड़े वेही रहंदा तव्हांजा हिते जो लोकल एमपी एम एल ए तव्हांजा गोॾा खोड़े वेही रहंदा त शायदि तव्हां निकिरंदव ई न तव्हां चुप करे वेठा हूंदव बर्दाश्त वेठा पवंदव वेठा तव्हांखे तव्हां अची मां तव्हांखे रिक्वेस्ट थो कयां तव्हां हिकिड़ो दफ़ो अचो जॾहिं असांजी कमीशन जो जेको इजलास थिए थो प्रोसीडिंग्स थियनि थियूं जुडिशरी थियूं तव्हां ख़ुदा जे वास्ते अचो ॾिसो त इहे 10 सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी समेत कीअं कुकुड़ बणिया वेठा आहिनि पावर जेको आहे कानून जो आईन जो पर अवाम जे पावर खां वधीक आहे जेको सेक्रेटरी तव्हांखे घिरो करणु ईंदो आहे ऑफिस में उहो ॾिसो कीअं थो बीहे अची ऐं कीअं कुपड़ लॻो पियो आहे हुते कीअं थो जेको आहे जब ते सवाल जो जवाबु कीअं थो ॾिए कीअं थो माफ़ी वठे त मुंहिंजी गुज़ारिश सिर्फ़ इहा आहे त तव्हां निकिरो निकिरण लाइ ज़ाहिर आहे तव्हांखे घर छॾिणो सियासतदार जेके असांजा दोस्त आहिनि तव्हांखे त जेकी सखरनि जे दोस्त खे रिक्वेस्ट कई त इहे असांजा नेशनलिस्ट निकिरनि असांजा तव्हांजे लाइ दानिशदार जेके प्रोफेसर जेके असां हिते मिलण त शुरू कयूं जी डिपार्टमेंट जो प्रोफेसर आहियां
ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਵਾਲੀ ਬੀਸੀ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੋਟਿਸ ਬੁੱਕ ਲਿਆ ਉਸ तमामु घणो रिव्यू बि वियो आहे त जिते कहिड़ा इम्पेक्ट थींदा डेटा बि थी वई आहे ऐं तमामु तमामु बहितर ॿुधायो कहिड़ा अख़र आहिनि असल में सवा 88 असर कहिड़ा थींदा सी पैक जे हिन पूरे थियण खां पोइ या जेको सिलसिलो हले पियो उन खां पोइ ई साॻियो ई समाज जेको वारो जबल वारो त उनखे अञा वधीक हथी मिलंदी या उन में का बहितरी ईंदी या तरती ईंदी बलोचिस्तान में तव्हांखे ख़बर आहे केपी में तव्हांखे ख़बर आहे कराची जी हालत तव्हांखे ख़बर आहे पंजाब जो बि साउथ जेको आहे सिक्योरिटी फोर्सिस जे हवाले आहे चाइनीज़ जे हिन प्रोजेक्ट शुरू थियण खां पोइ 9,000 माण्हुनि जो स्पेशल फोर्स ठाहियो जेको सिर्फ़ सीपेक खे डिफेंड कंदो या प्रोटेक्ट कंदो इन खां अलावा हाणे रिसेंटली चाइनीज़ गवर्नमेंट ख़ुदि चयो आहे त असां पंहिंजो बि खणींदासीं सिक्योरिटी एपरेटस असां पंहिंजी हिफ़ाज़त पाण में पहुचाईंदासीं हाणे रिसेंटली जेको वाक़ियो थियो आहे चाइनीज़ खणी करे छा आहे त मां सम्झां थो जिते बि ज़बरदस्ती डेवलपमेंट करण जी कोशिशि थींदी केतिरी थी थिए ऐं इहो बि तव्हांखे मां ॿुधायो त पाकिस्तान में हिन वक़्तु जेके ग्लोबल फोर्सिस आहिनि इंडिया समेत अफ़गानिस्तान समेत शायदि ईरान बि अमेरिका समेत उहे ख़ुशि न आहिनि उहे सम्झनि था त जेकॾहिं इहो सीपेक वारो प्रोग्राम सक्सेसफुल थी वियो त इहो गेम चेंजर बणिजी वेंदो चाइना जेको आहे ज़बरदस्त क़िस्म जो पावर रेलिवेंट पावर जेको हुन ते कंदासीं तंहिं करे पूरी कोशिशि कंदा पाकिस्तान खे डिस्टेबलाइज़ करे ऐं डिस्टेबलाइज़ करण जा अनफॉर्चुनेटली हिन वक़्तु तमामु घणा मौक़ा आहिनि हिते तमामु घणा फोर्सिस आहिनि जेके ख़ुशि न आहिनि हुकूमत सां ॾाड सां एक्सप्लॉइटेशन सां तंहिंजे करे इहो हिकिड़ो ख़र्चो पंहिंजे हिते मौजूदु आहे त सीपेक जे प्रोग्राम खे डिस्टेबलाइज़ बि करे सघंदा पाकिस्तान जा दुश्मन बि खोड़ वेठा आहिनि उहे बि कंदा असां सीपे जे डेवलपमेंट जे ख़िलाफ़ु न आहियूं असां चऊं था जेकॾहिं तव्हां डेवलपमेंट करण था चाहियो त इहो लोकल माण्हू जी शराकतदारी सां बेनिफिशरी उहो थिए हिन जो ट्रिकल डाउन डिविडेंट जेको मिले उहो लोएस्ट माण्हू जेको ग़रीब ग़रीब माण्हू आहे उनखे मिले तॾहिं मुल्क मां उहो माण्हू ग़रीब वीचारो उते हुते पियो तमामु बर्बाद थो पियो आहे ऐं बैरिया टाउन ठही वियो मरीर जा माण्हू जेके वीचारा उते वेठा आहिनि बैरिया टाउन बंगला ठही विया 300 साल जा मरीर जा माण्हू वीचारा उहो झुगिन में था रहनि अॼु बि उन्हनि जी झुगियूं बि ख़तमु करे बैरिया टाउन ठही वियो हाणे जेकॾहिं ईअं इनखे तव्हां जेकॾहिं डेवलपमेंट कोठींदव त इहो त तबाही थींदी न इहे माण्हू काॾे वेंदा जेके निकिता हज़ार जी तइदाद इहे चुप केसिताईं चुप रहंदा इहे ज़रूरु किथे न किथे त पंहिंजो रिएक्शन ॾेखारींदा न बलोचिस्तान में 8 साल थियो आहे इंसर्जेंसी बि आहे 2015 खां वठी त तव्हां डेवलपमेंट ज़रूरु कयो पर डेवलपमेंट सां गॾो गॾु डेमोक्रेटिक जेके राइट्स आहिनि माण्हुनि जा उन्हनि जा इकोनॉमिक राइट्स आहिनि माण्हू इंसान आहे उन्हनि जा बि बचा ॿार आहिनि उन्हनि जो फ्यूचर आहे उन्हनि जो फस्ट राइट आहे तंहिंजे करे मां सम्झा थो त तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे हुन फसाद कंदा जेकॾहिं सियासी तौर ते तव्हां हिनखे मखसूस मुफ़ादनि जे लाइ इस्तेमालु कंदा आपने जो बात करी कि चाइना का है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि उसने अपनी फैक्ट्रीज लगाई फिर वहां से गुड सप्लाई किया इससे वहां पर जॉब क्रिएट हुई और जो चाइना है का आइडिया है वो थोड़ा मॉडर्न है जैसे कि वो अपने ही लोग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं इंजीनियर्स हैं एंड अभी रिसेंटली कुछ मैंने इनको पढ़ी यहाँ पर 0.4 मिलियन चाइनीज को पाकिस्तान जो है वो सिटीजनशिप के ग्रांट चल रहा है
तो इससे क्या हमें युवान जो है आनंद जी जो है वो उन्होंने अभी पाकिस्तान के अलावा दो और मुल्क है ग्वाटेमाला एक छोटा सा और मलेशिया कुछ कुछ का नाम याद नहीं आ रहा था जहाँ पे चाइनीज करेंसी जो है यानी स्वॉप जो होता है जब आप वहाँ भेजेंगे जो आप LC खोलेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट वो आप डॉलर में नहीं खोलेंगे आप युआन में खोलेंगे। पाकिस्तान को इससे इसलिए थोड़ा सा फायदा होता है कि पाकिस्तान आपको पता है कि डॉलर का आज बड़ा प्रेशर है डॉलर में और पूरी दुनिया में जो रिजर्व करेंसी है वो डॉलर है तो चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि हम अपनी रिजर्व करेंसी पैदा करें। रिसेंटली चाइना ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नाम से वहाँ कायम किया है उन्होंने जो वर्ल्ड बैंक के अराइवल समझा जा रहा है 100 बिलियन डॉलर उन्होंने रखे हुए हैं उसमें और तकरीबन ये जो आप जिस तरह इशारा कर रहे हैं वो एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं चाइनीज कि हम भी एक पैरेलल करेंसी ताकि डॉलर की जो डोमिनेशन है उसको ख़त्म करें और वो मुल्क खासतौर पर जो डॉलर जो है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे जिस तरह पाकिस्तान है तो वो उसमें जाहिर आएंगे वो तो फिर और ज़्यादा जोड़ जाएंगे चाइना के साथ। दूसरा आपका जो सवाल था कि पाकिस्तान को सीखना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी से, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी तो आप बात कर रहे हैं बहुत पुरानी 1950 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में खत्म हो गई थी फिर ब्रिटिश एम्पायर ने वो टेक ओवर कर लिया था। हम तो जो कल होता है उससे भी सबक नहीं सीखते तो अगर सबक सीखे तो सबक सीखने का मतलब यह है कि आप इज्तमाही तौर पर लोगों के लिए उनकी भलाई के लिए सोचें जहाँ पर तो जो क्लास बैठा हुआ है जो एलीट बैठा हुआ है वो तो रोज हमको सबक सिखाता है तो उन्होंने भी सबक सीखे। हमारा मसला यह है कि आप और हम बजाय ये सोचें कि हुकूमत या जो एलीट है उनको सोचना चाहिए इससे मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ। मैं अमलियत पसंद आदमी हूँ मैं कहता हूँ कि आप ये सोच लो कि आप क्या कर सकते हैं जब आप नहीं सोचोगे तो वो आप भी नहीं सोचोगे ये दुनिया का कानून है कोई दूसरे के देर वो चैरिटी इन पॉलिटिक्स तां लेकर ओवरऑल तमाम शानदार लेक्चर आए सिर्फ एक तमाम ज्ञान पासत से ना गले हुए तो रोगों ना भी ना टॉपिक के जुड़े लग साल में ना बड़ी बड़ा हो इकड़ो भी वाइड में को मतलब ना इकड़ा ऐसे उसको भी बयार किया है जैसे गवर्नमेंट का ऐसे हुए मैं तो सीरियस कर रहे हैं अगर मोरार लेस पंजाब से बलूचिस्तान से सजो मुल्क उन्हें फेस करे हो मुझे ख्याल में वो एक अलग पासो सिग्निफिकेंट पासो उन्होंने जैसे भी सिविल सोसाइटी की गाल कौ तो असि पॉलिटिकल एफिलिएशन कैसा भी हो गु भी हंदा पर कंसेंसस को कंसेंसस एक तरफ सर पूरा नजर पे अच्छे नून लीग पीपल्स पार्टी पीटीआई हो पाकिस्तान की आर्मी हो नंढियूं वॾियूं पॉलिटिकल फोर्सिस हुजनि उन्हनि यूनानिवर्सली इन शइ ते एग्री कयो आहे ऐं ब्रिगेड ठाही आहे त ॿियो अञा कंसेंसस पाकिस्तान में कहिड़े क़िस्म जो कंसेंसस असीं क़ाइमु था कयूं जेके अप्रेस माण्हू आहिनि जेके एक्सप्राइटेड माण्हू उन्हनि जी न ॻाल्हि तव्हां कंदो मां न कंदासीं असांजो त वॉइस एतिरो इंफ्लुएंशियल आहे कोन हिकु ॻाल्हि आहे त कंसेंसस हलंदो पियो आहे ऐं तॾहिं उहा डील थी आहे उहो जो साइन थियो आहे ऐं ऐसा जेको आहे जेको मुसलसल कालम निकिरी रहियो आहे उहो त इहो बि चए थो त काफ़ी ॾिसो हुनजो इम्प्लीमेंटेशन ताईं कवर बि असां करे चुका आहियूं छो त 4 महीने में हुन हिकिड़ो दलियूं सां अची सघियो ॿी ॻाल्हि जेका सिंध स्पेसिफिक सर आहे हुन में केटी मंदर जो जेको प्रोजेक्ट आहे या सिंध कोल जो जेको प्रोजेक्ट आहे या जेके ट्रांसमिशन लाइन्स मिठी खां वेंदियूं जेके सीपेक प्रोजेक्ट खे ॾिसो आहे इहो तव्हां कीअं था चई सघो त हुन में सिंध खे हिकु वाट जो बि फ़ाइदो न थींदो जॾहिं त सनावलो बलोर जेको आहे हुन हिकिड़ो वॾो आर्टिकल लिखियो इंफ्रास्ट्रक्चर जे फील्ड में या
अगर
या को बियो अस वट डिफरेंट तरीके से केड़ो ऑप्शन बोली बाय प्लान बी जो गाली आए तो ये स्टेट जो काम मेरी ये काम स्टेट यो फ्लाई तरीके से हम बोलता है हालांकि अमेरिका में लेके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो ये लाइन हार्वर्ड है बर्कली ये सब इंडिया में से दूर है इनके मुख्तलिफ कंपनी या मुख्तलिफ बुरा बुरा मॉडल हर साल इंडाउमेंट लिया है इंडाउमेंट फिक्स है मना वो अवामी जो बदल सकते हैं असा वे किस्म कल्चर को असो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अनफॉर्चुनेटली वही मजहबी रुझान के हवाले से पर खास मकसद समझे लिबरल सेकुलर ट्रेडिशन से फॉलो ना कर मिलिट्री फोर्सिस तरफा अचान उनको खास एंगल पब्लिक इदारा यूनिवर्सिटी यकीन मुख्य उम्मीद है ये इदारा वही में वेठा एकेडमिशन मुख्य समझ में प्रोफेसर जो क्लास वो टाइम के गुजारे अच्छा मुख्य प्रोफेसर क्लास इंपॉर्टेंट ना मुझी सी लाइफ जो पूरा पैटर्न सो रिसर्च ओरिएंटेड क्लास में जो पार्ट बात कदम कदम जैसे कोई यूनिवर्सिटी वजन थे तो मैं सब टीचर्स क्लास वी जो अस नौकरी कदा तैयारी कर पर रिसर्च पेपर तस्तक के लिए व्याखो रखनी पे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना तो भाई एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो प्रोफेसर वो सोल्यूशन कर गवर्नमेंट का बढ़ आर एंड डी बधाएं पानी सेमिनार कराए जिस तक वो बस हल था कर इकोनॉमिक सॉल्व जो मामलो अस मुल्क में अस रूरल इकोनॉमी डिफरेंट आने से यकीन पी एच डी हूँ उनकी सोल्यूशन आने भाई मुझी तो सची गाल एक्सपर्टी ही कोई माँ वकील कौन बने पर माँ गलत थोड़ा शायद